नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मंगलवार को देर दिन के भारतीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। अमेरिकी विदेश मंत्री के इस दौरे में अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति, हिंद प्रांत क्षेत्र में संपर्कों को बढ़ावा देने और कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने सहित कई मसलों पर चर्चा होगी। एंटनी ब्लिंकन के भारत पहुंचने पर अमेरिका ने कहा है कि वो भारत के एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने का समर्थन करता है। अमेरिका ने कहा है कि वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और बढ़ती समृद्धि और आर्थिक समावेश का क्षेत्र सुनिश्चित करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। चीन के बढ़ते वर्चस्व से निपटने के लिए अमेरिका ने क्वाड को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सहयोग नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, जिसमें सूचना साझा करना, संपर्क अधिकारी और मालाबार जैसे जटिल अभ्यास शामिल हैं। पदभार संभालने के बाद अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान एंटनी ब्लिंकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री अजय शंकर से मुलाकात करेंगे। इसमें कोविड-19 से निपटने के प्रयासों पर निरंतर सहयोग, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, साझा क्षेत्रीय मुद्दों, सुरक्षा हितों, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और जलवायु संकट सहित कई मसलों पर चर्चा हो सकती है। तो दिल्ली पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मंगलवार को और एंटनी ब्लिंकन पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। वहीं विदेश मंत्री अजय शंकर से भी मुलाकात होगी। तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, हिंद प्रशांत सुरक्षा को लेकर, बाकी चीन का जो वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच हथियारों को लेकर लगातार संधि हो रही है उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। सात साल पहले उत्तर प्रदेश में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के तबादले से उनकी भैंसे गायब होने की खबर आई थी। उस समय रामपुर से लेकर लखनऊ तक सरकारी अमला हिल गया था। जिले के आला अधिकारियों ने गायब हुई मंत्री जी की भैंसों को ढूंढने के लिए पूरे सिस्टम को लगा दिया था, तब जाकर आजम खान की भैंसे बरामद हुई। अब ऐसा ही एक मामला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शहर गुजरांवाला से आया, जहां पर वहां के कश्मीर जुल्फिकार अहमद घुमन का पालतू कुत्ता मंगलवार को सरकारी बंगले से लापता हो गया। इसके बाद तो उन्होंने जिले की सारी मशीनरी और कर्मियों को इसे खोजने के लिए लगा दिया। कमिश्नर ने अपने स्टाफ को खूब फटकार लगाई कि कुत्ता घर से बाहर कैसे निकला। कुत्ते को किसी भी कीमत पर खोजने का जिम्मा गुजरांवाला शहर के नगर निगम और स्थानीय पुलिस को मिला है। पुलिस ने घर घर तलाशी अभियान चलाया तो वहीं नगर निगम के कर्मचारी कुत्ते को खोजने के लिए बकायदा एक ऑटो रिक्शा में बैठकर लाउड स्पीकर से पूरे शहर में ऐलान करते हुए कहने लगे, हजरात हजरात हजरात, गुजरांवाला शहर के कमिश्नर साहब का कुत्ता जो कि जर्मन शेफर्ड नस्ल का है, अगर किसी को मिले तो वो उसे लेकर कमिश्नर साहब के घर पर पहुंचा दे। तो ये पाकिस्तान की खबर है, जहां पर जुल्फिकार अहमद घुमन का पालतू कुत्ता अचानक लापता हो गया, जिसके बाद कमिश्नर ने अपने पूरे स्टाफ को फटकार लगाई कि आखिर पालतू कुत्ता घर से बाहर कैसे चला गया। इसके बाद पूरी टीम को कुत्ते को ढूंढने पर लगा दिया, साथ ही साथ लाउडस्पीकर से पूरे शहर में जो टीमें हैं वो गश्त करती रहीं और ये कहती रहीं कि अगर किसी को भी कमिश्नर जी का ये जर्मन शेफर्ड जो कि ब्रीड है वो अगर मिलता है तो वो सीधे कमिश्नर ऑफिस आए और वहां पर इसकी जानकारी दे। तो पाकिस्तान से ये अजीबोगरीब खबर आई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। इससे पहले ही हमने आपको उदाहरण के तौर पर बताया था कि जब उत्तर प्रदेश में आजम खान की भैंसे तबेले से गायब हो गई थी, इसके बाद पूरा अमला उन भैंसों को ढूंढने के लिए लग गया था। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अब पाकिस्तान से सामने आ रही है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी ने तालिबान को एक बार फिर से एक्टिव तो कर दिया, लेकिन इसका फायदा पाकिस्तान भी उठा रहा है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी अफगानिस्तान में घुस चुके हैं और ये तालिबान की मदद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के आतंकी बलूचिस्तान और सिंध के रास्ते अफगानिस्तान में घुस चुके हैं और ये बंदूक के दम पर कोहराम मचाने लगे हैं। ये आतंकी चुन चुनकर अफगान फौजियों को निशाना बना रहे हैं और चेक पोस्ट कर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कंधार और काबुल जैसे शहरों में जरूरी चीजों की किल्लत पैदा की जा सके। हालांकि इन हालात के बीच अमेरिका ने तालिबान पर हवाई हमले जारी रखने का अपना फैसला दोहराया है। अमेरिकी फौज की वापसी के साथ ही तालिबान की बढ़ती हरकतों को देखकर अमेरिका पीछे
कई दिनों से तालिबान के अलग अलग ठिकानों पर जमकर बमबारी भी कर रहा है। अमेरिका के साथ साथ इन हमलों में अफगान एयरफोर्स भी शामिल है। आपको बता दें कि दिनों अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकी अपना वर्चस्व जमाते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से ही लगातार तालिबानी जो है वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, मारकाट चल रही है। और साथ ही साथ पाकिस्तान भी अब तालिबानी आतंकियों का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अमेरिका पीछे नहीं है, अमेरिका भी उन इलाकों में बमबारी कर रहा है जहां पर तालिबानी आतंकी ज्यादा कहर बरपा रहे हैं। तो अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों का जो वर्चस्व लगातार सामने आ रहा है, पिछले कई दिनों से उसका असर वैश्विक स्तर पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो खबर सामने आ रही है वो पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान लगातार तालिबानी आतंकियों का समर्थन कर रहा है, तालिबान का समर्थन कर रहा है। साथ ही साथ ऐसे में अमेरिका कहां चुप बैठने वाला था, अमेरिका ने भी कार्रवाई करते हुए ऐसे ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी है जहां पर तालिबानी आतंकी ज्यादा कहर बरपा रहे हैं। जो अफगानी लोग हैं उन्हें वहां से खदेड़ रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं और रिहायशी इलाके जो हैं वहां पर तोड़फोड़ मचा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तजाकिस्तान के दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए मंगलवार शाम 3 दिवसीय यात्रा पर दुशांबे पहुंच चुके हैं। एससीओ सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की सालाना बैठक इस बार 27 से 29 जुलाई के बीच होनी है। वार्षिक बैठक में एससीओ सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कई देशों के शीर्ष नेताओं के विचार विमर्श के बाद एक विज्ञप्ति जारी किए जाने की उम्मीद है। बैठक में राजनाथ सिंह का संशोधन बुधवार यानी 28 जुलाई को निर्धारित किया जाएगा। इस दौरान वो दुशांबे में अपनी चीनी समक्ष जनरल वेई फेंगे से मुलाकात भी कर सकते हैं। हालांकि दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बैठक अभी तक निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन चीन चाहे तो भारत चर्चा के खिलाफ नहीं है। सूत्रों की माने तो चीन के साथ द्विपक्षीय बैठक की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा जैसा भी हो, राजनाथ सिंह बुधवार को एससीओ में रक्षा मंत्रियों की बैठक में अपने संबोधन के दौरान युद्ध से तबाह अफगानिस्तान सहित लद्दाख क्षेत्र में बातचीत के जरिए सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर देते हुए नजर आ सकते हैं। दुशांबे पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वहां पर इस वार्षिक वार्ता में वो शामिल होंगे। आज उनका खास संबोधन हो सकता है जिसमें तमाम मुद्दे हो सकते हैं। मुद्दों का मकसद है वैश्विक स्तर पर शांति। जी हाँ, शांति किस तरह से निकाली जाए, किस तरह से समाधान हो सके, उस पर राजनाथ सिंह आज संबोधन कर सकते हैं। अफगानिस्तान का मुद्दा, जिस तरह से अफगानिस्तान तालिबानी आतंकी अपना वर्चस्व बना रहे हैं, वही जो लद्दाख का मुद्दा है और जो चीनी जो सीमा है, भारत और चीन की जो सीमा है जिसपे चीन अपना वर्चस्व लगातार कई सालों से करता हुआ नजर आ रहा है, उस पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि चीन इस चर्चा में शामिल नहीं होगा, लेकिन भारत की तरफ से कहा गया है कि अगर चीन चाहे तो हम उससे बात करने के लिए तैयार हैं। अगर शांति व्यवस्था पर बात करनी है तो भारत कभी पीछे नहीं हटेगा। आवश्यकताओं पर जोर देना होगा क्योंकि इन दिनों कोरोना वायरस की वजह से जिस तरह से जो वैश्विक स्तर पर आर्थिक व्यवस्था है वो गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है, कई अभी भी देश ऐसे हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। तो वहीं अंतरिक्ष की यात्रा कर लौटे जेफ बेजोस ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को उसके वैज्ञानिकों को चांद पर ले जाने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स से कम कीमत पर अंतरिक्ष यान बनाने का ऑफर दिया है। नासा ने 16 अप्रैल को बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन की पेशकश को ठुकराकर स्पेसएक्स के साथ $2.9 अरब में ये सौदा किया। बेजोस अब नासा को यही अंतरिक्ष यान $2 अरब में बनाकर देने को तैयार हैं। अब देखना यह है कि क्या बेजोस अपनी प्रतिद्वंदी एलन मस्क को इस बड़े सौदे में चोट दे पाते हैं या नहीं। नासा 1972 के पहले चंद्र मिशन के बाद 2024 तक दोबारा वैज्ञानिकों को चांद पर भेजना चाहती है। इस पूरे मामले में तैयार कर चुकी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की ओर से कोई बयान नहीं आया। फोर्ब्स की सूचना के मुताबिक जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वहीं एलन मस्क इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। अब अंतरिक्ष में बादशाहत के लिए इन दोनों दिग्गजों के बीच होड़ जारी है। बेजोस नासा के इस महत्वाकांक्षी मिशन के लिए अंतरिक्ष यान बनाने का सौदा कम कीमत पर हासिल करना चाहते हैं, जिसे नासा मस्क की कंपनी को दे चुकी है। तो अंतरिक्ष की यात्रा कर लौटे
जेफ बोजेस अब वहां पर दोबारा से जाना चाहते हैं। स्पेसएक्स से कम कीमत पर अंतरिक्ष यान बनाने का ऑफर भी लगातार मिल रहा है, तो नासा और स्पेसएक्स के बीच जो है वो ठनी हुई है। अब देखना होगा कि कौन ज्यादा बेहतर साबित होता हुआ नजर आता है। सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने कोरोना वायरस की रेड लिस्ट यू में शामिल देशों की यात्रा की तो उन्हें 3 साल के लिए यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सऊदी अरब ने चेतावनी कोरोना के नए वेरिएंट के फैलने के बाद उसके प्रसार पर काबू पाने के मकसद से की है। ऐसे सऊदी नागरिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शामिल है। रेड लिस्ट में शामिल देशों में भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों को शामिल कर रखा है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मई महीने में सऊदी के कुछ नागरिकों को मार्च 2020 के बाद पहली बार बिना अधिकारियों की अनुमति के विदेश जाने की अनुमति दी थी, लेकिन उन्होंने यात्रा नियमों का उल्लंघन किया था। अधिकारियों ने कहा था कि अगर आप कोई यात्रा नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कोरोना का असर जो है अभी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में कई देश जो हैं जहां पर मामले कम हैं वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं। अगर सऊदी अरब की हम बात करें तो सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को कड़ी चेतावनी दे दी है कि जो भी देश रेड लिस्ट में शामिल है अगर उस देश की आप यात्रा करते हैं तो आप पर, यानी कि जो वहां के नागरिक हैं, उन पर 3 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जो यहाँ वो यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है नागरिकों को कि वो अभी धैर्य रखें, साथ ही साथ कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना जरूरी है, साथ ही साथ देश जो नियम बना रहा है उसका पालन करना भी बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि इस रेड लिस्ट में भारत, पाकिस्तान के अलावा कई और देश के नाम भी शामिल हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। 5 दिनों बाद 40,000 से ज्यादा नए केस दर्ज हुए हैं। बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 43,000 नए कोरोना केस आए हैं और 640 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 41,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 1,336 एक्टिव केस बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 27 जुलाई तक देश भर में 44,61,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 40,02,000 टीके लगाए गए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 46,09,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 17.36 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.34% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। एक्टिव केस 1.27% है। कोरोना एक्टिव केस मामलों में दुनिया में भारत 7वें स्थान पर है और कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर, जबकि अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें जो हैं वो भारत में हुई हैं। तो थर्ड वेव की आशंका लगातार बनी हुई है। ऐसे में विशेषज्ञ लगातार लोगों को अलर्ट भी कर रहे हैं, सरकार से भी लगातार वार्ता की जा रही है, लेकिन बीते 24 घंटे में मामले 40,000 से ज्यादा आए हैं, जो कि चिंता का विषय बने हुए हैं। तो ऐसे में हमें सावधान रहने की जरूरत है पहले से ज्यादा, क्योंकि थर्ड वेव सेकेंड वेव से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और बीते 3 सप्ताह में सबसे ज्यादा मामले हैं। हालांकि पिछले कई दिनों से 35,000, 34,000, 32,000 तक भी आंकड़े गए, लेकिन एक बार फिर से इनमें उछाल हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा जो मामले सामने आ रहे हैं वो महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु से सामने आ रहे हैं। ऐसे में और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि हम पूरी तरह से अलर्ट रहें और जो कड़ी पाबंदियां हैं उनसे हम बच सकें। टोक्यो में हो रहे ओलंपिक खेलों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए ओलंपिक रिले आज मथुरा पहुंची। वहीं टोक्यो ओलंपिक जागरूकता रैली का मथुरा आगमन पर गणेश्वर स्टेडियम में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर लक्ष्मण पुरस्कार विजेता रविकांत मिश्रा ने बताया कि टोक्यो ओलंपिक चल रहे हैं और भारत की तरफ से अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा दल इस बार ओलंपिक में भाग लेने गया है। इसको लेकर खेल जगत फाउंडेशन ने मुहिम शुरू की है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सभी खिलाड़ियों को उत्साहित कर रही है और इसी से प्रोत्साहित होकर हमने भी एक रैली निकाली है, जिसमें उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ और अन्य काफी युवाओं और खेल संघों का समर्थन हमें मिल रहा है। यह रिले बरेली से शुरू हुई है और लगभग 3625
किलोमीटर का सफर तय करेगी। उन्होंने बताया कि यह रैली 51 जनपद तक जाएगी और टोक्यो ओलंपिक के बारे में लोगों में जागरूकता लाने का काम करेगी। वो आगे कहते हैं कि अभी कई जनपदों में ओलंपिक का लेकर अवेयरनेस नहीं है, यानी कहा जा सकता है कि जो टोक्यो ओलंपिक्स इस साल चल रहे हैं उसको लेकर अलर्टनेस जो है वो लोगों की नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अब ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों तक ये जागरूकता पहुंचाई जाए, इसी वजह से रैली जो है वो चलाई जा रही है। खेल चला गांव की ओर इस अभियान को हम लोगों ने शुरू किया है और ताकि मनरेगा के अंतर्गत और 14वें और 15वें राज्य वित्त के अंतर्गत गांव में खेल मैदानों का विकास हो सके और गांव-गांव में खेल और खिलाड़ियों की जो सुविधाएं हैं वो पहुंच सके। वहीं इस मौके पर जिला क्रीड़ा अधिकारी SP बामनिया ने बताया कि आज ओलंपिक रिले मथुरा पहुंची है जिसको लेकर एक प्रोग्राम हमारे द्वारा किया गया है। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़, सिल्वर जीतने वाले खिलाड़ियों को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा जो खिलाड़ी टीम में जैसे हॉकी, बास्केटबॉल आदि खेलों में खेल रहे हैं उनको गोल्ड जीतने पर 3 करोड़, सिल्वर पर 2 और ब्रॉन्ज जीतने पर 1 करोड़ का प्रस्ताव भी रखा गया है। पहले से काफ़ी समय से इसका जो है आगाज हो चुका है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा अगर इंडिविजुअल इवेंट में अगर ओलंपिक्स में अगर कोई स्वर्ण पदक लाता है तो यूपी सरकार के द्वारा 6 करोड़ की धनराशि दी जाती है। अगर सिल्वर मेडल लाते हैं तो 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल लाते हैं तो 2 करोड़ की धनराशि का ये प्रावधान है, पूरा निश्चित है यूपी सरकार के द्वारा। इसी तरह अगर हम इंडिविजुअल में लाते हैं जैसे कॉमनवेल्थ है एशियंस गेम है तो उसमें जो है 15 लाख की धनराशि का पुरस्कार दिया जाता है। अगर नेशनल में बच्चा प्रतिभाग करता है मेडल लेके आता है तो उसको जो है 75, 50 और 25 हज़ार की राशि से सम्मानित किया जाता है। इसका उद्देश्य साफ है कि इस समय टोक्यो में ओलंपिक्स हो रहे हैं और उसमें भारतीय दल अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा दल गया है। इसको लेकर के खेल जगत फाउंडेशन ने ऐसी मुहिम शुरू करी कि ये दल का प्रोत्साहन किस लेवल पर होना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी से लेकर के पूरे भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी लोग खिलाड़ियों का बहुत प्रोत्साहन कर रहे हैं। उन सबसे प्रेरित होकर के हम लोगों ने इस तरह की एक रिले निकाली जिसमें उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ का, खेल विभाग का, युवा कल्याण विभाग का, बहुत सारे युवाओं का, खेल संघों का हमें पूरा समर्थन पूरे प्रदेश में मिल रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मंगलवार को 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। ब्लिंकन बुधवार को विदेश मंत्री अजय शंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान में बिगड़ते सुरक्षा हालात के बीच ब्लिंकन भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड फ्रेमवर्क में सहयोग बढ़ाने के इरादे से भारत और कुवैत की यात्रा पर आए हैं। कुवैत रवाना होने से पहले ब्लिंकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। भारत रवाना होने से पहले ब्लिंकन ने ट्वीट किया था कि वो अमेरिका के प्रमुख साझेदारों के साथ हिंद प्रशांत और मध्य पूर्व में साझा हितों को मजबूत करने के लिए सलाह मशवरा करेंगे। वहीं भारत इस दौरान अमेरिका द्वारा टीका निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की आपूर्ति में किसी तरह के भी व्यवधान को दूर करने पर जोर देगा। साथ ही क्वाड वैक्सीन मुहिम को सुचारू रूप से लागू करने पर दोनों देशों के बीच चर्चा संभव है। बतौर विदेश मंत्री ये ब्लिंकन की पहली भारत यात्रा है। हालांकि जनवरी में सत्ता में आने के बाद बाइडेन सरकार की ओर से वो भारत का दौरा करने वाले तीसरे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन मार्च में और जलवायु परिवर्तन पर विशेषज्ञ राजनयिक जॉन कैरी अप्रैल में दिल्ली आए थे। सरकारी सूत्रों ने बताया कि ब्लिंकन के 2 दिवसीय भारत दौरे में 4 देशों के समूह क्वाड के ढांचे के तहत मजबूत गठजोड़ बनाने पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। इसी के तहत साल के आखिर तक क्वाड देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों की संभावित बैठक भी होने जा रही है। राजस्थान कांग्रेस में पिछले करीब 1 साल से जारी गुटबाजी को खत्म करने की कवायद अब शुरू होने जा रही है। कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब का झगड़ा निपटाने के बाद राजस्थान का रुख करते हुए KC वेणुगोपाल और अजय माकन को राजस्थान का फसाद निपटाने की जिम्मेदारी दे दी है। पहले चरण में रविवार को दोनों नेताओं जयपुर आए थे और सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद काफी विधायकों से भी मिले। अब दूसरा चरण बुधवार यानी कि आज सुबह से शुरू हो गया है जब राजस्थान के प्रभारी अजय माकन एक एक करके सभी विधायकों से जिलेवार मुलाकात कर सकते हैं।
माकन की विधायकों के संभावित मुलाकात से पहले ही राजस्थान के गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा भी जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। किसकी कुर्सी जाएगी और किसकी होगी मंत्री पद पर ताजपोशी, ये सब बातें अब सियासी गलियारों में सुनाई दे रही है। वैसे इतना तो तय है कि राजस्थान में कांग्रेस के सभी विधायकों को साथ पाना माकन समेत सभी नेताओं के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। इसकी बड़ी वजह है दो हिस्सों में विभाजित राजस्थान कांग्रेस, एक तरफ अशोक गहलोत का खेमा और दूसरी तरफ सचिन पायलट का खेमा। ये देखना रोचक होगा कि किस खेमे को संभावित फेरबदल में ज्यादा तवज्जो मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि इस साल कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का आंकड़ा उन्हें मुहैया कराएं। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इन आंकड़ों को 13 अगस्त को खत्म हो रहे मॉनसून सत्र से पहले संसद के पटल पर रखा जाएगा। गौरतलब है कि साल की शुरुआत में कोरोना संक्रमण के मामलों में भारी इजाफा होने की वजह से देश की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई नजर आई थी। देश भर के अस्पतालों में बेड, दवाइयों और वैक्सीन की काफी किल्लत हुई थी। इसके साथ ही मेडिकल ऑक्सीजन की कमी ने स्थिति को और ज्यादा विकराल बना दिया था। उस मुश्किल घड़ी में भारत को इमरजेंसी के आधार पर कई देशों से ऑक्सीजन को आयात करना पड़ा था। कई कोरोना मरीजों ने ऑक्सीजन न मिलने के चलते दम तोड़ दिया था। तस्वीरें ऐसी भयावह थी। गोवा में मई के महीने में राज्य सरकार संचालित अस्पताल में करीब 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के तिरुपति अस्पताल में आईसीयू में भर्ती 11 कोविड के मरीजों में ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा आने के चलते दम तोड़ दिया। वहीं हैदराबाद के अस्पताल में 2 घंटे तक ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाने की वजह से 7 लोगों ने दम तोड़ दिया। ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर कई राज्यों ने कोच का रुख किया, जबकि केंद्र ने ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शुरुआत भी की थी। इसको लेकर संसद में भी काफी हंगामा हुआ था, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है। विपक्ष इस बात को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा करता हुआ नजर आया था। महाराष्ट्र में मानसूनी बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मुंबई के अंधेरी इलाके में मंगलवार रात एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। इस घटना में 5 लोगों के घायल होने की सूचना है। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इस मामले में अभी अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। बीते शुक्रवार को भी मुंबई को गोवंडी इलाके में सुबह करीब 4 बजे की इमारत गिर गई थी, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और 11 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। ये एक रिहायशी इमारत थी। इस हादसे में मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। हादसे में घायल सभी लोगों की हालत काफी गंभीर बताई गई थी। घायलों को हटकोपार में स्थित उपचार के लिए राजवाड़ी अस्पताल और सायन के लोकमान्य तिलक मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि घायल लोगों में से 2 की अस्पताल में ही मौत हो गई थी। यह घटना मुंबई के गोवंडी इलाके में शिवाजी नगर के प्लॉट नंबर 3 की है। इस हादसे की सूचना मिलते ही बीएमसी और दमकल कर्मी बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर पहुंचे और दमकल की 7 गाड़ियां, दमकल विभाग की 1 बचाव वैन, पुलिस और अन्य एजेंसियों के कर्मी वहां पर मौजूद थे। तो मुंबई में लगातार इमारतें गिरने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार और फिर मंगलवार 2 इमारतें गिरी हैं, जिनमें से करीब 5 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसद दिल्ली में पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बुधवार और गुरुवार 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी के साथ उनके 2 डिप्टी CM दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभी भाजपा सांसदों को बैठक में भाग लेने के लिए कहा गया है। सूत्रों की माने तो बैठक में उन्हें निर्देश दिया जाएगा कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों तक पहुंचे और उनके सामने आने वाली समस्याओं से अवगत रहें। उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों के साथ भागीदारी बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा सांसदों को अपने क्षेत्र के लोगों को राज्य और केंद्र सरकार दोनों द्वारा किए गए कार्यों से अवगत कराने के लिए भी कहा जा सकता है। तो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में जेपी नड्डा एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। 2 दिवसीय बैठक होगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हो सकते हैं। तो यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारियां काफी तेज हैं, जिसको लेकर आज से बैठक शुरू होगी जो कि दिल्ली में होने वाली है। किश्तवाड़ के गुलाबगढ़, चशौती और हंजर इलाके में बारिश कहर बनकर बरस रही है। बारिश के साथ साथ यहां बादल फटने से नालों में उफान आ गया, जिसकी चपेट में आने से जान और माल का काफी नुकसान हुआ है। हंजर में सुबह बादल फटा, जिसकी चपेट में आने से 8 घर मिट्टी में दफन हो गए। बताया जा रहा है कि इन घरों में रहने वाले परिवारों के करीब
30 सदस्य अब भी लापता हैं। हालांकि 4 शव बरामद हो चुके हैं। पूरे इलाके में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। डीसी किश्तवाड़े ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि हंजर गांव पहाड़ी इलाका जो करीब 20 किलोमीटर लंबा है, दुर्गम माने जाने वाले इस इलाके में वाहन जाने की कोई सुविधा नहीं है। बचाव दल मदद के लिए निकल गया है लेकिन पहुंचने में अभी भी समय लग सकता है, इसीलिए वहां की वास्तविक स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। आसपास के इलाकों से यही सूचना मिली है कि हंसर में 8 घरों वाला ये कस्बा बाढ़ की चपेट में आकर पूरी तरह से बह गया है। ये 4 शव भी बचाव दल को रास्ते मिले हैं। अभी तक स्थानीय लोगों ने ही बचाव कार्य जारी रखा हुआ है। जल्द ही सेना के जवान और बचाव दल मौके पर पहुंच जाएंगे और तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन रास्ते पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, रास्ते पूरी तरह से टूट चुके हैं और जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से सैलाब बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल सुबह सुबह बादल फटने से 8 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, 4 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट के बीच शिमला में भारी बारिश से भूस्खलन और चट्टानें गिरने का सिलसिला जारी है। शिमला के पांथा घाटी में भारी बारिश से भूस्खलन हुआ है। मलबे में कई गाड़ियां दब गई हैं, सड़कें बंद हो गई हैं और पानी ठप सप्लाई भी प्रभावित हो गया है। राजधानी शिमला में शहर में मंगलवार रात से जारी भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। कई गाड़ियां मलबे में दब गई हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, पानी की सप्लाई बंद हो गई है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट के बीच शिमला और लाहौल स्पीति में भारी बारिश से भूस्खलन और चट्टानें गिरने का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। लाहौल स्पीति में जगह जगह भूस्खलन से करीब 60 पर्यटक और स्थानीय वाहन फंस गए, कुछ तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, तस्वीरें आप देखिए। वहीं चंबा जिले में भरमौर पठानकोट एनएच पर चनेड़ के पास देर रात भारी बारिश की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।